दोस्तों, सब स्मार्टफोन तो आप सभी यूज करते होंगे और ऐसे में आप सभी के पास एक पावर बैंक भी होगा। क्या आप जानते हैं बैटरी कैपेसिटीज के बारे में आपके साथ में थोड़ी सी धोखा हो रहा है? आज दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनिश वर्ल्ड। मैं हूँ अनिमेश और आप देख रहे हैं टुडेज टेक्निकल टिप्स। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास में है एक 3000 mAh की एंड्रॉइड फोन और आपने परचेस कर लिया अपना पूरा ध्यान लगा के 12000 mAh के एक पावर बैंक। यहाँ पे आपने लगाया, कैलकुलेशन कर लिया, डिवाइड 12000 डिवाइडेड बाई 3000, जो रिजल्ट आया वो है 4। और आप बहुत ही खुश है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो 4 बार चार्ज होने वाला है, मतलब आप इस पावर बैंक से आपका फोन को 4 बार फुल चार्ज कर पाएंगे। क्या रियलिटी में आज तक ऐसा हो पाया है? क्या रियलिटी में ऐसा होगा कभी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हम सोचते हैं हमसे कोई नाइंसाफी हो रहा है, क्या कंपनी जो है हमसे कोई फ्रॉड कर रहा है? नहीं दोस्तों। या आपका जो पावर बैंक है उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों। या ये डुप्लीकेट है? वो भी नहीं। मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मतलब हम क्यों इस पावर बैंक को पूरी कैपेसिटी में चार्ज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पे जो डुप्लीकेट पावर बैंक है उसके बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनकी तो कहानी अलग ही है। पर आप जब किसी भी अच्छे ब्रांड का पावर बैंक यहाँ पे यूज करते हैं तो भी दोस्तों आपको वो कैपेसिटी नहीं मिल पाएंगे। मतलब आपका अगर 3000 mAh का एंड्रॉयड फोन है और 12000 का पावर बैंक है और आप जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो 4 निकल आएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। फिर चाहे आपका पास जो भी पावर बैंक हो, जो भी ब्रांड वाला हो, जितने भी कीमती पावर बैंक क्यों ना हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ जाते हैं? क्या ब्रांड जो है वो हमसे झूठ बोलता है? क्या ब्रांड अपने कैपेसिटी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं यहाँ पे? नहीं दोस्तों, ब्रांड जो है वो आपको सच्ची बोलते हैं। यहाँ पे दिक्कत आती है जब हम उसे समझ नहीं पाते ठीक तरीके से, वो हमारा सोच का गलती है। हम सिर्फ सिंपल मैथ यहाँ पे लगा देते हैं और पावर बैंक जो है उस कैलकुलेशन में काम नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलते हैं वो है 3.7 वोल्ट। क्योंकि पावर बैंक से जब फोन में अब चार्ज पावर जब पहुंचता है, वो चार्ज या पावर को फोन ठीक तरीके से काम में नहीं ले पा रहे हैं। फोन उस पावर को थोड़ा सा डाउन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पावर का यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्शन होता है। ये तो पहला कारण है दोस्तों, ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताएंगे, जिसको आप लेके सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका पावर बैंक में जितना भी पावर है और आपका फोन में जितनी भी कैपेसिटी है, कैसे वो कितनी बार वो चार्ज हो सकता है इस सिंपल फॉर्मूले के जरिए। मतलब रियलिटी में वो पावर बैंक कितनी बार आपका फोन को चार्ज कर पाएंगे? दोस्तों, आप पकड़ लीजिए आपके पास में 10000 mAh का एक पावर बैंक है। दोस्तों, आप पहले आपका पावर बैंक के जो कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3.7 से, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए 4.2 से, और जो रिजल्ट यहाँ पे निकल आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट है दोस्तों। और जब दोस्तों इस रिजल्ट को आप कैलकुलेशन में लाएंगे, वही एक ठीक ठाक सा कैलकुलेशन होगा आपके फोन के लिए। मतलब यहाँ पे पावर बैंक में जितनी भी पावर आपको दिखने को मिलता है वो एक्चुअल में नहीं आपको उपलब्ध होता है, क्योंकि 20% जो है वो कहीं ना कहीं से लॉसेस हो जाता है दोस्तों। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि 10000 mAh का पावर बैंक, मतलब 10000 mAh के ही आपको पावर मिलेंगे चार्ज करने के समय, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों किसी भी ब्रांड का। और जो डुप्लीकेट पावर बैंक का बात कर रहे हैं वो उसको पिक्चर से आप हटा दीजिए, उसका बात ही कुछ अलग है दोस्तों। और यहाँ पे एक बात कहना भूल गया है दोस्तों हम, कि आपका जो फोन है उसका कैपेसिटी कितना है, उसका रिसीविंग कैपेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका पावर बैंक में जो भी बैटरी इंसर्ट है वो भी धीरे धीरे टाइम के थ्रू बैटरी का एफिशिएंसी जो है आपका पावर बैंक में वो भी दिन ब दिन घटता जाएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।